Hello guys, welcome to MentorSpace. My name is Deepak and I welcome you all to a very important session in which we are going to cover a very important topic from your ESI syllabus, that is budget. This lecture will be important for your upcoming RBI grade B as well as NABARD grade A examination. For objective as well as descriptive questions, this lecture will be important. So if you are preparing for these regulatory bodies exam, then this lecture will be important for you. So till date we have covered chapters like Introduction to Economy, Growth and Development, Monetary Policy, and this is the part 2 of a Fiscal Policy. So part 1 was covered earlier. This is the part 2 of the Monetary Policy chapter of your ESI syllabus. Fiscal Policy chapter of your ESI syllabus. And later on, we are going to cover the part 3. So let's begin this video. So before starting this video, those who have not subscribed to our channel yet, kindly subscribe to our YouTube channel also to receive a free current affair PDF of free content for your RBI as well as NABARD grade examination. You can always subscribe to our Telegram channel, link for which is in the description of this video. So guys, currently we are running a complete non-static as well as static course. That is a complete course for NABARD grade 2023 examination in which we are providing you PDFs which are downloadable. PDFs related to current affairs as well as static subject. If you want to check out this course, you can check out this course, link of which is in the description of this video. So guys, what is budget? Budget kya hota hai? थोड़ा सा हिंट हमने हमारे पार्ट वन ऑफ फिस्कल पॉलिसी में देख लिया था कि बजट होता क्या है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज बजट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स व्हिच वी नीड टू रीड फॉर योर एग्जामिनेशन. तो बजट क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो यह है कि बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. गिव मी अ सेकंड. Okay, so it is an annual financial statement which is under the Article 112 of Indian Constitution. So Article 112 के अंदर of Indian Constitution के अंदर budget जो है आपका mentioned है, ठीक है? So budget के according, Article 112 के according, this is an annual financial statement of income and expenditure of government. So government की जो भी income हो रही है, जो भी उन्होंने expenditure किया है last year में, preceding year में या following year में जो भी करने वाली है, जो भी उसकी इनकम हुई है, उस सभी चीज का एक स्टेटमेंट जो है वो ही बजट है. नाउ जो बजट है दोस्तों, इट इज अ फोरकास्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें दोस्तों बजट के अंदर गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर्स को बताती है, एक फोरकास्ट देती है कि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं. अब रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट कैसे जनरेट करती है? थ्रू टैक्सेस. और भी काफी मीन्स होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, बट टैक्सेस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे करती है? जैसे सैलरीज होगी, पेंशंस होगी, उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, कोई बिल्ड एसेट को बिल्ड करना है, उसके अलावा काफी चीजें होती है जहाँ पे गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया, कोई स्कीम लॉन्च किया है, तो एक्सपेंडिचर भी काफी हो गए. तो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है, कहाँ से लेना है, कितना जनरेट करना है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी जो फॉलोइंग ईयर की जो फोरकास्ट होती है कि कितना उसको एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू करना है, वो सारी बजट में गवर्नमेंट वो है बताती है. नाउ दिस बजट, दिस इज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज प्रिपेयरिंग द बजट. सो कैन यू रिमेंबर दिस? चलिए दोस्तों, अब बजट की आगे बात कर लें तो बजट हैज थ्री सेट्स ऑफ डेटा फॉर एवरी कंसर्न सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सो हर सेक्टर और सब सेक्टर इकोनॉमी के लिए बजट में थ्री सेट्स ऑफ डेटा जो है प्रोवाइड किए जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द बजट. सो बजट में पहला क्या होता है कि एक्चुअल डेटा ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, मीन्स वन ईयर बिफोर द ईयर इन विच बजट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इज बीइंग प्रेजेंटेड. सो मान लीजिए बजट जो है 2023-24 का प्रेजेंट हो रहा है, तो वन ईयर मीन्स वन ईयर बिफोर द ईयर इन विच बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड. सो प्रीसीडिंग ईयर दोस्तों क्या होगा? ये हो गया 2021-22. सो 2021-22 का एक्चुअल डेटा. दूसरा प्रोविजनल डेटा ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर हो गया आपका 2022-23, 2022-23 का प्रोविजनल डेटा और एस्टिमेट्स, बजटरी एस्टिमेट्स जो हैं फॉलोइंग ईयर 2023-24 के जो बजटरी एस्टिमेट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर बजट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे. सो थ्री सेट्स ऑफ डेटा वुड बी प्रोवाइडेड अंडर दिस
बजट, ठीक है। सो बजट के अंदर ये डेटा जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर है दोस्तों। चलिए नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों बजट को रिलीज करने का, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है। गवर्नमेंट की एक इनकम होती है, गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज को कितना देना है, ठीक है, नीति आयोग को कितना देना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कितना देना है, डिफेंस सर्विसेज डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना देना है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कितना कितना अलॉटमेंट करना है ताकि वो फर्दर अपने एरियाज में जो है सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो रिसोर्स का एलोकेशन गवर्नमेंट बजट के अंदर होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सो दिस फंक्शन ऑफ बजट इज नोन एज एलोकेशन फंक्शन ऑफ बजट, क्लियर दोस्तों। दूसरा, नाउ विद दिस एलोकेशन ऑफ बजट गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू अपलिफ्ट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, बजट के थ्रू कुछ ऐसे स्कीम्स, कुछ ऐसे इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करती है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होती है, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको अपलिफ्ट करे और पॉवर्टी को डिक्रीज करे इंडिया में, ठीक है। थर्ड क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वुड बी क्रिएटेड अंडर दिस बजट, ठीक है। बजट के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि किस टाइप का प्रोग्राम जो है क्रिएट किया जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की जो बजट का रिसेंट जो बजट 2023 फरवरी में रिलीज किया था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, ठीक है, कौन से बिल पास किए हैं, इंपॉर्टेंट बिल पास किए हैं। हमने अगस्त में 2-3 बिल्स जो हैं रिलेटेड टू हेल्थ जो है गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किए हैं, ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट वर मेंशनड इन यूनियन बजट 2023, ठीक है। चलिए अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू टैक्सेज एंड सब्सिडीज। सो सब्सिडीज और टैक्सेज के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हैं कि मान लीजिए जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी और जो हाईली एफ्लुएंट फैमिलीज हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी है उनको प्रोपोर्शनल टैक्स उन पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया ये बजट का, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसकी जिनकम जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, या जिसकी जितनी कम इनकम है उसको उतनी ही सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और इस इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इस बजट को रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ये इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन जनरल राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जनरल डिक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज डिस इन्फ्लेशन, ठीक है, राइज इन नोन एज इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन नोन एज डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। सो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशन के डिफरेंट पार्ट्स को, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बजट को इंट्रोड्यूस किया गया। बजट जो है इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स, वेरियस इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट लेती है थ्रू द बजट, ठीक है। नाउ इंश्योर क्या करना है, इसके थ्रू इंश्योर ये करना है कि कंट्री में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द स्टेबिलाइजेशन फंक्शन ऑफ बजट, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिगार्डिंग द बजट, देन यू कैन मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजट के क्लासिफिकेशन की, कि क्या डिफरेंट टाइप्स के बजट जो है, डिफरेंट टाइप्स जो है वो बजट के हैं, ठीक है। नाउ एज पर द आर्टिकल 112 इट स्पेसिफाइज दैट द बजट मस्ट डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स। सो एक्सपेंडिचर से जो है रेवेन्यू अकाउंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस बजट को जो है क्लासिफाई किया गया है इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है। तो देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट के बजट कितने टाइप का है। तो बजट दोस्तों रेवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है। अब कैपिटल बजट जो है वो दो टाइप्स का है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू बजट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। We are going to discuss these all types of budget in detail, ठीक है दोस्तों। चलिए just a second, चलिए now revenue versus capital budget, ठीक है, revenue versus capital budget। अब दो types के budget मैंने आपको बताया कि दो types के budget होते हैं, एक तो है revenue budget, दूसरा है capital budget। रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। रेवेन्यू बजट कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, कैपिटल बजट,
कैपिटल बजट इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कहाँ पे लगाया जाता है? जब भी हम किसी भी एसेट को क्रिएट करते हैं, कैपिटल को जनरेट करते हैं, कैपिटल पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी भी कैपिटल को जनरेट करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम की होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है हमारी बोरोइंग या डिसइन्वेस्टमेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू इन डिटेल। ठीक है, लेट्स नॉट लेट अस सी इन फ्यूचर स्लाइड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। दो टाइप्स की रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास आती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी होती है दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। सो द कैपिटल रिसिप्ट आर ऑल दोस गवर्नमेंट रिसिप्ट विच आर आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। या तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा या एसेट को रिड्यूस करेगा। दिस कम्स अंडर द कैपिटल रिसिप्ट। और जब लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है और ना कोई रिड्यूस कर रहा है एसेट को, देन इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बट वो पैसा कोई भी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं कर रहा है, लाइबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को वापस लुटाना नहीं पड़ रहा है उसको, उसके ऊपर बोझ नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट के एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एसेट रिड्यूस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है मान लीजिए, उसको वो बेच नहीं रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट की किसी पीएसयू में हिस्सेदारी है, ठीक है, पार्टनरशिप है, और उसमें वो शेयर को नहीं बेच रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, एक मान लीजिए गवर्नमेंट एक पीएसयू में हिस्सेदार है और वो उसको प्रॉफिट सेंड कर रही है, देन इट इज नोन एज द रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट के एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं और गवर्नमेंट के कमाई भी हो रही है, ठीक है, देन दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर गवर्नमेंट के एसेट्स जो है रिड्यूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, लाइबिलिटी मतलब बोरो कर रही है बाहर से, ठीक है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, देन दिस इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के की फीचर्स ये हैं दोस्तों कि ये कैपिटल लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करता है, तो मतलब ये है कि ये कोई भी लोन टाइप नहीं है। ठीक है, दूसरा इट डू नॉट रिड्यूस एसेट, एसेट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ भी अपने एसेट बेचने की जरूरत नहीं है टू रिसीव दीज रिसिप्ट्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स आ रहे हैं विदाउट रिड्यूसिंग देयर एसेट्स, विदाउट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी, देन दैट इज नोन एज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग है ये, बार बार जो है गवर्नमेंट के पास ये रिसिप्ट्स आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीएसटी है, जीएसटी इज काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी गवर्नमेंट को हर मंथ आती है, ठीक है, हर मंथ डेटा जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसके रिगार्डिंग। दूसरे टैक्स कलेक्शन कौन से हैं, गवर्नमेंट के पास हर साल इनकम टैक्स आता है, ठीक है, और भी काफी टाइप्स के कॉरपोरेशन टैक्स हैं, हाउस टैक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी इनकम टैक्स है, काफी टैक्सेस जो है गवर्नमेंट लगाती है जो गवर्नमेंट को एवरी ईयर या एवरी मंथ बेसिस पे गवर्नमेंट को मिलते हैं। देन दीज टैक्सेस दैट आर कमिंग, everything that is coming after the again and again, that is known as recurring. ठीक है, तो this revenue receipt is recurring in nature. Government की हर month या हर weekly yearly basis पे ये जो है receipts आती ही रहती है। ठीक है, so this is recurring in nature. Fourth one is it is non-redeemable. It means that government do not need to return the revenue receipts. तो ये जो है government की क्या होंगी, ये गवर्नमेंट की खुद की जो है इनकम होने वाली है, गवर्नमेंट को इसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बोरोइंग, अब जब हम किसी से लोन लेते हैं तभी तो हमें लौटाना पड़ता है ना, जब हम लोन ले ही नहीं रहे हैं, ये हमारी कमाई है, हमारी हिस्सेदारी की। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलने वाला है या इंटरेस्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो वो इनकम क्या होगी, आपकी नॉन रिडीमेबल इनकम होगी, वो आपको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज योर इनकम। ठीक है, बट अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस आपको वो लोन भी वापस उसका
वो आपको वो इनकम भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है? दैट इज नोन एज रिडीमेबल इनकम, ठीक है? दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉन रिडीमेबल, ठीक है? और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट डिवाइड है। टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? जो रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास आ रही है, जो रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास आ रही है थ्रू द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगा के जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, दैट इज नोन एज द टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा के कौन से, जैसे एक्साइज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करती है इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर, ठीक है? इनसे जो भी इनकम होती है दोस्तों वो होती है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? टैक्स रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज नॉन रिडीमेबल, रिकरिंग, इट डज नॉट रिड्यूस दी एसेट्स एंड इट डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है? सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है? अब रेवेन्यू रिसिप्ट का जो सेकंड पार्ट था दोस्तों वो था नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब, ठीक है, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो आ रही है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है? टैक्स के भी हमें नहीं आ रही है, अदर रेवेन्यू के सोर्सेज कौन से हो गए टैक्सेस के अलावा, दैट इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट मान लीजिए किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, पीएसयू में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, अगर पीएसयू कमा रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो उसको कुछ परसेंटेज जो है जितनी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन दिस इज नोन एज द प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे मिलता है दोस्तों? जब गवर्नमेंट लोन फॉरवर्ड करती है, मान लीजिए इंटरनली टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द कंपनीज एटसेट्रा एटसेट्रा, और आउटसाइड द कंट्री जब एक्सटर्नल लेंडिंग करती है, मान लीजिए फॉरन ऑर्गेनाइजेशन को, फॉरन गवर्नमेंट्स को, देन वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? एक्सटर्नल लेंडिंग और इंटरनल लेंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। थर्ड क्या है? फिस्कल सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फिस्कल सर्विसेज दैट इज रिलेटेड टू मनी, सर्विसेज दैट इज रिलेटेड टू मनी इज नोन एज फिस्कल सर्विसेज, लाइक प्रिंटिंग करेंसी, स्टैम्प प्रिंटिंग, कॉइनेज, ठीक है, मेडल्स मिलने, तो काफी टाइप ऑफ फिस्कल सर्विसेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसके थ्रू भी गवर्नमेंट की इनकम होती है। और भी काफी चीजें हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है, दैट इज जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज मान लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्कॉम्स जो है गवर्नमेंट ने जनरेट कर रखे हैं, इसके थ्रू गवर्नमेंट की इनकम्स होती है। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, बैंकिंग जो है गवर्नमेंट में जिसकी हिस्सेदारी है, ठीक है, वहां से इनकम होती है। आरबीआई भी जो है गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करती है, इस साल आरबीआई ने कितने पैसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए आपके, आपको जरूर देखना चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन। इंश्योरेंस सेक्टर से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। तो कम्युनिटी सर्विसेज मान लीजिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इससे भी गवर्नमेंट को पैसा आता है। नो डाउट उनको काफी पैसा देना भी पड़ता है, बट गवर्नमेंट को पैसा भी कुछ हद तक आ जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन इज फीस, पेनल्टी और फाइन्स दैट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, देन दैट इज कैश कैश ग्रांट इन एड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन करेंसीज जो भी ग्रांट्स इन एड इंडिया को सेंड करती है, दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सो ग्रांट्स आर ऑलवेज एक्सटर्नल इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनल इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो कैन रिमेंबर दिस, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड दीज आर टाइप ऑफ दीज आर दिस इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? कैपिटल रिसिप्ट की बात करें दोस्तों, तो कैपिटल रिसिप्ट में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जिसमें जिसमें गवर्नमेंट जो है एसेट, पहली बात तो है एसेट जो है गवर्नमेंट के रिड्यूस होते हैं। मान लीजिए एसेट क्या है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं दोस्तों लैंड, गवर्नमेंट के एसेट होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी एसेट, एसेट मान लीजिए जो गवर्नमेंट को कमाई करके दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ऑन एयरपोर्ट, वहां से गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, ठीक है? डिफरेंट कंपनीज वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट वो लैंड लीज पे प्रोवाइड करती है, एयरपोर्ट लीज पे प्रोवाइड करती है, या सर्विसेज दे रही होती है थ्रू दैट लैंड। तो उस लैंड के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है ना दोस्तों, दैट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स इनकम। अगर अब दैट इज गवर्नमेंट्स एसेट, सो उस एसेट के थ्रू गवर्नमेंट जो है कमाई कर रही है, गवर्नमेंट की इनकम हो रही है। Now, if government sell that particular land, then that government is sending that, selling that asset, okay? That asset which is generating her or him the revenue. तो उस लैंड को सेल से गवर्नमेंट क्या होता है,
अपनी एसेट को रिड्यूस करती है और बेच के जो भी उसको कैश मिलता है, इनकम जो होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? कैपिटल को बेच के, एसेट को बेच के जो भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट आती है, रेवेन्यूज आते हैं, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को जरूरत है पैसों की, गवर्नमेंट बोरो करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जांपल आरबीआई से, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सटर्नल फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, इंटरनली भी काफी कुछ लैंड लोन्स ले लेती है, देन दैट लोन्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग की हर, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट बार बार मंथली मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो है लोन्स ले रही हैं या लैंड को सेल कर रही हैं। तो लैंड, तो लैंड का टुकड़ा उसके पास एक ही है, उसको वो एक ही बार बेच सकती है। ठीक है, तो दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, फोर्थ वन इज रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब अगर गवर्नमेंट लोन जनरेट कर रही है, लोन ले रही है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उस लोन को गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा, देन दिस इज नोन एज रिडीमेबल। दिस इज द की फीचर्स, दीज आर द की फीचर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट कहां कहां से गवर्नमेंट की होती है, कहां कहां से गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है। फर्स्ट वन इज लोन रिकवरी। ठीक है, लोन की रिकवरी, जैसे द मनी द गवर्नमेंट हैज लेंट आउट इन द पास्ट इन इंडिया एंड अब्रोड, देयर कैपिटल कम्स बैक टू द गवर्नमेंट व्हेन द बोरोअर्स रीपे, इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब भी गवर्नमेंट लोन्स जो है इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोवाइड करती है, ठीक है, उससे उसको इंटरेस्ट मिलता था। ठीक है, अब क्या है, वो जो एसेट था जो गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड कर दिया था, वो लोन की पेमेंट उन्होंने दोबारा कर दिए। ठीक है, देन दैट इज नोन एज द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, जो एसेट लोन्स जो है फॉरेन कंट्रीज को अपने प्रोवाइड करते हैं या इंटरनली प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट की इनकम होती है इन द वे ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर दोज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन वो प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करती हैं, देन दैट इज नोन एज द कैपिटल रिसिप्ट। व्हाई? बिकॉज उसके बाद जो है उसकी इनकम नहीं होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है दोस्तों? तो लोन की रिकवरी इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, बोरोइंग्स की बात करें, जब गवर्नमेंट बोरो करती है इंटरनली और एक्सटर्नली, देन दिस इज नोन एज द बोरोइंग। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है कैपिटल रिसिप्ट जो है रेज करती है। सो इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग थ्रू गवर्नमेंट जब भी रेज कर रही होती है, देन दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। एंड दीज कैपिटल रिसिप्ट जनरेट, दीज बोरोइंग जनरेट क्रिएट लाइबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट। दूसरी रिसिप्ट जैसे गवर्नमेंट की होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पोस्टल डिपॉजिट्स, अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसमें लोग जो हैं इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट को रिसिप्ट तो आती है, बट इसके थ्रू गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए और क्या है तरीके गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट के लिए, अपनी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एसेट्स को, मान लीजिए मशीनरी, मान लीजिए लैंड, मान लीजिए कोई PSU है उसके अंदर शेयर बेच दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है काफी चीजों में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है जिसमें उसकी हिस्सेदारी थी या उसकी मालिकाना हक था। LIC में जैसे गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज अपनी शेयर जो है बेच दी है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है ना LIC का, और उस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट की इनकम हुई है। ठीक है, जो पहले उसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही थी, अब गवर्नमेंट को उसको उस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उसकी इनकम हो गई है, तो उसने कुछ एसेट अपना बेच दिया है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आपको जो है वो करनी है, दैट इज व्हाट इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स एंड व्हाट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट डेट क्रिएटिंग होती है उनके आपको एग्जांपल लिखने हैं, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन डेट क्रिएटिंग होती है उनके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, अगर उसमें जो भी चीज आपके लिए डेट क्रिएट कर रही है, that are the part of debt creating, and those who are not creating any kind of debt, then that is non-debt creating. Clear? चलिए expenditure की दोस्तों बात करें, तो expenditure भी दो types का है, that is revenue expenditure और capital expenditure. ठीक है, तो capital revenue expenditure की बात करें, तो revenue expenditures are typically referred to as ongoing operating expenses. Ongoing operating expenses जो भी होते हैं दोस्तों, that is revenue expenditure. ठीक है,
किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें चाहिए, जैसे सैलरीज भी देनी पड़ती है हमें, हमें हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मान लीजिए मार्केटिंग करनी है, और भी काफी खर्चे जो होते हैं बिजनेस के अंदर उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, देन दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के वे में बात करें तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए भी काफी मशीनरी चाहिए, काफी रिसोर्सेज चाहिए, उनके ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब भी हम फिक्स्ड एसेट को लॉन्ग टर्म लार्ज परचेजेस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड एसेट्स को, देन दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की दोस्तों बात कर लें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, पेंशंस, पेंशंस भी तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, और भी काफी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है, देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेंसेस होते हैं, इसके थ्रू कोई भी फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। थर्ड वन इज इट इज रेकरिंग इन नेचर, कि इसको मंथली और ईयरली बेसिस पे करना ही पड़ता है, सैलरीज हर मंथ जा रही होती हैं। फोर्थ, इसको हम बोल सकते हैं नॉन डेवलपमेंट और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा फिस्कल पॉलिसी का तो वीडियो को जरूर देखें, क्लियर है दोस्तों। इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस की जरूरत होती है दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लियर है। चलिए, द मेन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, पोस्टल डेफिसिट, लो एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एंड ग्रांट्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए इनके, कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इनमें से कुछ एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर भी उनको बोला जाता है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या होता है, दैट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर विच इज बियॉन्ड द वोटिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। वोटिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट से बाहर होता है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट को कोई भी वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे सैलरीज, इसकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके एमएलयूमेंट्स, स्पीकर की सैलरी, डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, क्लियर दोस्तों। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की दोस्तों बात कर लें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ वन टाइम। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, परचेज होता है फिजिकल एसेट्स का, फिजिकल एसेट्स परचेज करके गवर्नमेंट अपनी लॉन्ग टर्म की इनकम को जो होती है फाइनल करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए। मान लीजिए ब्रिजेस जनरेट किए, ठीक है, ब्रिजेस क्रिएट किए, हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, ठीक है, डेवलप किए, कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई रिसोर्सेज जनरेट कर ली, ठीक है। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट सोलर प्लांट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो सोलर प्लांट्स जो हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो ऑलमोस्ट 20 to 25 years है। 20 to 25 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, 20 to 25 years तक गवर्नमेंट की इनकम ही इनकम होने वाली है, ठीक है। सो फिजिकल एसेट्स को परचेज करना इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड वन इज क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिड्यूस रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेल्प ली जाती है। थर्ड वन इज इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, कि एक बार जो लैंड हमने परचेज कर ली उसको बार बार परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एसेट जो परचेज कर लिया उसको बार बार परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। इसको जो अर्लियर डेवलपमेंट और प्लान एक्सपेंडिचर भी बोला जाता था, तो लेक्चर वन देखो इसका, फिस्कल पॉलिसी का, समझ में आएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट ले ली, इन्वेस्टमेंट कर दी शेयर के अंदर, लोन्स के अंदर, एडवांस दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को जब एडवांस दिया जाता है देन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, इट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट यील्ड्स प्रॉफिट एंड डिविडेंड इन फ्यूचर। सो गवर्नमेंट अगर किसी भी कंपनी में, पीएसयू में एटसेट्रा एटसेट्रा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको उसको प्रॉफिट और डिविडेंड मिलता है दोस्तों, और दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर दोस्तों। चलिए, नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। जब हम डिफेंस की बात करते हैं, हमने डिफेंस के ऊपर पढ़ा था कि जो एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट आर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम, अब यहाँ पे भी हमने डिफेंस के एक्सपेंडिचर की बात करी, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दोस्तों जब हम डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेज के लिए, देन दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।
जनरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का लगता है। जनरल सर्विसेज हमने पहले भी डिस्कस किया था जिसमें गवर्नमेंट जो है जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, मान लीजिए पानी लोगों तक पहुंचाना है, दैट इज पार्ट ऑफ जनरल सर्विसेज। पावर लोगों तक पहुंचानी है, दैट इज पार्ट ऑफ जनरल सर्विसेज, ठीक है। बट यहाँ पे जो जनरल जनरल सर्विसेज है दोस्तों वो है रेलवेज। रेलवेज के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, क्योंकि रेलवेज का जो टाइम पीरियड होता है वो दोस्तों वो काफी लंबा होता है और उससे एक्सपेंसिव उसकी जो इनकम होती है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। वाटर सप्लाई यहाँ पे भी है, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, रूरल एक्सटेंशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, क्लियर है दोस्तों, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है जेंडर बजटिंग, जो आपके आपके एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट था उसमें दो पार्ट्स थे, दो दो पार्ट्स दोनों में थे, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल जो इनकम थी उनकी, ठीक है। चलिए अब जेंडर बजटिंग की दोस्तों बात करें, तो जेंडर बजट बाय द गवर्नमेंट विच एलोकेट्स फंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे जो भी फंड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट होती है दोस्तों दैट इज द जेंडर बजट, ठीक है। तो इट इज डन इन एन इकोनॉमी वेयर सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, सो जहां पे सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। जब हम बजट इस टाइप से एलोकेट करें कि मेल्स को ज्यादा जो है बजट एलोकेट हो रहा है और फीमेल्स को कम हो रहा है, देन वहां पे जेंडर बजटिंग की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वहीं पे जेंडर बजटिंग होती है, क्लियर है दोस्तों। नाउ इट इज कंसर्न्ड विद जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेशन, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ऑडिट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब बजट के अंदर इन ऐसी पॉलिसीज का जनरेशन हो, फॉर्मुलेशन हो, ऐसी स्कीम्स फॉर्मुलेट हो रही हों, ऐसे इनिशिएटिव फॉर्मुलेट हो रहे हों, प्रोग्राम्स हों, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस टाइप से हों कि वहां पे जेंडर्स को ध्यान में रख के इन सभी चीज हो रही हैं, देन दैट इज नोन एज जेंडर बजटिंग, ठीक है। Now, it is a powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefits of development reach women as well as men. So, जितना मैन को जितना मेल को बेनिफिट्स मिल रहे हैं डेवलपमेंट के उतने ही फीमेल को मिले, इसलिए इस टूल को यूज किया जा रहा है, ठीक है। Now, it does not seek to create any separate budget, but it seeks affirmative action to address specific needs of women. इसके लिए सेपरेट बजट की जरूरत नहीं होती, जो बजट आपका चल रहा है उसी के अंदर जो है आपको एलोकेशन या प्रोग्राम के जनरेशन की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज नोन एज जेंडर बजटिंग। बजटिंग बजट जो भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसमें जेंडर को ध्यान में रख के बजट में एलोकेशन हो रहा है, प्रोग्राम डेवलपमेंट हो रहा है, स्कीम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज का एलोकेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज जेंडर, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस बजट क्या होता है दोस्तों? बैलेंस बजट का मतलब ये है, जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी इनकम हो रही है उतना ही वो एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उसको बैलेंस्ड बजट बोलते हैं, ठीक है। सरप्लस बजट किसको बोलते हैं? जब दोस्तों जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, जैसे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज लेस देन गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस अच्छे खासे लगा रखे हैं, गवर्नमेंट की, ठीक है, इनकम जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, स्पेंडिंग जो है वो काफी कम। ये कहाँ पे होता है? जब दोस्तों स्पेंडिंग गवर्नमेंट कहाँ पे कम कर रही होती है? डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज्यादा कर रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब कुछ डेवलप होता है, पुअर पीपल जो होते हैं वो दोस्तों वो काफी कम होते हैं, गवर्नमेंट को स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती, इनकम जो होती है लोगों की वो काफी अच्छी होती है, इसलिए टैक्सेस भी गवर्नमेंट अच्छे खासे ले लेती है, ठीक है। नो सो इट डेनोट्स द फाइनेंशियल एफ्लुएंस ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट जो भी कंट्री जो है अच्छी खासी है, उसको जिसकी इनकम अच्छी है, जिसको हम डेवलप्ड इकोनॉमीज बोलते हैं, वहां पे जो है सरप्लस बजट जो बनते हैं, ठीक है। नाउ इट इज डेवलप्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, सो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए सरप्लस बजट की यूज होती है, ठीक है। थर्ड टाइप इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब दोस्तों ये होता है जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है उसकी इनकम कम होती है, क्लियर है, ठीक है।
ये इस टाइप का जो बजट होता है ना दोस्तों, दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया. सो इंडिया के लिए एक्सपेंडिचर, ये डेफिसिट बजट ज्यादा ज्यादा बेस्ट सुटेड है. वाई? बिकॉज जहां पे एक्सपेंडिचर होंगे वहीं पे जो है आपकी डिमांड जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी. ठीक है, दैट्स वाई डेफिसिट बजट इज बेस्ट सुटेड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया. तो आपको समझ में आया आज का लेक्चर? अगर आपको समझ में आया इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर और दिस लेक्चर हैज एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशंस. ठीक है, जल्दी ही हम जो है आपके लिए इस चैप्टर का पार्ट 3 लेके आएंगे. दोस्तों आपके ऑलमोस्ट 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ के साथ आप इन वीडियो को देखते रहें. अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो जहां से भी आपको एमसीक्यूज अवेलेबल हो रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है इन एमसीक्यूज को पढ़ते रहिए, उनको प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से आपका दोस्तों फायदा ये होने वाला है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर होंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहीं से आपको मिलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस पर 400 से 600 वर्ड का आप जो है आंसर लिखें. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें तो सीधे सी मतलब होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी ऑफ आवर कोर्सेज, एनी ऑफ आवर वीडियो, यू कैन ऑलवेज मेल अस एट info@mentorspace.in. ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. ठीक है, लेक्चर को भी लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए. सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए. ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो कोर्स टू द पॉइंट था जिसका हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड कर, आप उनको जरूर ज्वाइन कीजिए. ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन प्रिपेयर.